नमस्कार दोस्तों, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड की Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। इतनी शानदार रैली ये स्टॉक दिखा चुका है, क्या उसको जस्टिफाई करने के लिए उस प्रकार के रिजल्ट आए होंगे या सिर्फ एक आप कह सकते हैं ऑपरेटर ने रिजल्ट से पहले स्टॉक को भगा ही दिया है। तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, एक क्विक एनालिसिस इस रिजल्ट का। तो देखिए, रिजल्ट करोड़ में है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5721 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 5010 करोड़ था। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक काफ़ी अच्छी जंप आपको ऑपरेशंस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिलेगी। मोर देन आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी जंप है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर में देखेंगे 643.7 करोड़ से देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देखेंगे बिल्कुल जंप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको साफ गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम देखेंगे 26.1 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 28.3 थी, और एक साल पहले दोस्तों 21.22 करोड़ कह सकते हैं। आप इन सबको जोड़िए, टोटल इनकम निकल के आएगी 598.2 करोड़, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 529 करोड़ थी। ये अच्छे नंबर से क्वार्टर क्वार्टर में आपको साफ जंप है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जिस प्रकार के स्टॉक भाग चुका है ये उस प्रकार की जंप नहीं है, बल्कि उसके विपरीत 665.7 करोड़ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखते हैं खर्चों ने क्या काल किया है। तो देखिए, खर्चों की बात करेंगे आप तो एक्सपेंसेस ऑपरेशन देखेंगे 527.1 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 466 करोड़ था। तो यहाँ तो खर्चों में अच्छी खासी जंप है दोस्तों, यानी ये जो प्रपोर्शनल में जंप है ये तो सब खर्चों ने खा लिया है। और एक साल पहले दोस्तों 595.1 करोड़ थी, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, आपके इनकम भी कम आई है। बात करें एम्प्लॉय बैंड एक्सपेंस की तो ये नेग्लिजिबल रहा है दोस्तों। अब आप देखेंगे जो बड़ा खर्चा है वो क्या है, वो है फाइनेंस कॉस्ट, तो 14.6 है, जो ऑलमोस्ट सेम रही है हर जगह दोस्तों, ठीक है। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे और पाएंगे कि भाई टोटल एक्सपेंसेस क्या रहे हैं कंपनी के, तो आप पाएंगे 550.98, आप कह सकते हैं 551 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों मात्र 488.8 करोड़ थी, और एक साल पहले दोस्तों 4618 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बड़ी गिरावट है दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशनल बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो ये 481 करोड़ रहा है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में ये 406 करोड़ था और एक साल पहले 473 करोड़ था, ठीक है। तो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो, दोनों ही बेस पे प्रॉफिट्स में आपको साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी जंप नहीं है कि जिसको जिस प्रकार की रैली है उसको जस्टिफाई कर सके। और जब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की क्या आई है, वन सेकंड, टोटल कॉम्प्री आप कह सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो यहाँ आपको 345 करोड़ देखेगा, जो पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ था और एक साल पहले 372, यानी ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। ऑल सब चीज़ों को मिला करके कह रहा हूँ दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ थी वहाँ से आपको थोड़ी सी सिर्फ तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसी बड़ी तेज़ी तो नहीं देखने को मिली है जो ऐसी हो। बात करें इसका असर EPS में क्या होगा, तो देखिए 1.64 से घट के ये बढ़ के 1.66 हो गई है, जो कि बहुत बड़ा जंप नहीं है, फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव है। हाँ, इसकी आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो EPS में आपको साफ यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। यानी मुझे ये लग रहा है कि जो तेज़ी होनी थी ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। कल शायद स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन देखिए डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, ठीक है, कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड पे किया, कितना 0.63 पैसे का, यानी 36 पैसे का आपको डिविडेंड मिला है। डिविडेंड आप देख सकते हैं कि भाई ये कब मिलेगा, तो देखिए द फाइनल डिविडेंड वुड बी पेड विद इन 30 डेज इट डिक्लेरेशन ऑफ AGM, ठीक है, AGM की डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर आपको ये स्टॉक, ठीक है, मिल जाएगा। और जो फिक्स डेट है और आप कह सकते हैं ये ड्यू कोर्स में आने वाले समय में पता चलेगी। तो इन शॉर्ट कंपनी जो रिज़ल्ट आए हैं ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन कोई इतने तेज़ नहीं है जो मैं ये कह सकूँ कि भैया ये तो आप कह सकते हैं जिस तरह की रैली देखने को मिली है उसकी हकदार थी। तो देखते हैं किस तरह जाता है
ये नहीं कहूँगा कि भैया बहुत गिरावट हो जाएगी, जिस तरह के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं उसको देखते हुए अभी भी RVL में लॉन्ग टर्म में एक अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो ये छोटी सी एनालिसिस थी दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।